शुभ संध्या एनिवर्सल में आपका स्वागत है। मैं दीपू गौतम। जैसे कि पिछली वीडियो में देखा था कि हिंदी भाषा से रिलेटेड जो टॉपिक बताए थे उनमें से सभी एक बार फिर रिवाइज करेंगे दोबारा से। जैसा कि सबसे पहले जो बताया था उसको रिवाइज करेंगे, जो पिछली वीडियो में या पिछली क्लासेस में बताया था। सबसे पहले मैंने बताया था भाषा की उत्पत्ति, भाषा की परिभाषा, इसके बाद बताया था वर्णमाला, शब्द, वाक्य। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि भाषा की उत्पत्ति कैसे होती है। तो भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकट करना या बोलना। तो भाषा की अगर हम परिभाषा बताना चाहेंगे तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार एक भाषा दी गई है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों को, अपने विचारों को दूसरे के समक्ष प्रकट करता है और दूसरे के भावों के विचारों को समझने का प्रयास करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। इसके बाद में आते ही है वर्ण। वर्ण भी बताया था कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े ना कर सके, उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्णमाला क्या होती थी, वर्णमाला के बारे में भी बताया था कि वर्णों का वह व्यवस्थित क्रम को ही हम वर्णमाला कहते हैं। शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से, सॉरी वाक्यों के मिलने से शब्द का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ तक बता चुके थे, इसी प्रकार से दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से वाक्य का निर्माण होता है। तो पिछली वीडियो क्लासेस में बताई थी भाषा की उत्पत्ति, भाषा की परिभाषा और वर्ण, वर्णमाला, शब्द और वाक्य। अब इसी प्रकार से हम वाक्य को देखेंगे तो वाक्य की परिभाषा होगी दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को। किसको? दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को शब्द के वाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। सार्थक समूह क्या होता है? जैसे जब तक अगर ये एक शब्द रहेगा, जैसे ये हमने कहा राम है, श्याम है, अभी तो ये क्या है, एक इसका सार्थक अर्थ हो। जैसे विद्यालय है, क्या है? विद्यालय है। अब विद्यालय एक पहले तो शब्द है, जब यही शब्द किसी वाक्य में लिख दिया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? पद बन जाएगा, अर्थात वाक्य बन जाएगा। विद्यालय में क्या है, जैसे कि ये इसका एक अर्थ मिनट निकलता है, विद्या धन आलय। अगर इसको हम दो भाग में तोड़ेंगे, संधि करेंगे, तो विद्या धन आलय, विद्या धन आलय के विद्या का मतलब आलय मानी घर। तो विद्या का निवास करना, विद्या का, विद्या धन आलय, विद्या का घर। इसी प्रकार से वाक्य, अगर वाक्य की बात की जाए तो दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से वाक्य का निर्माण होता है। अब वाक्य भी प्रमुख रूप से दो प्रकार, वाक्य में दो प्रमुख अंग होते हैं, घटक। क्या होते हैं? वाक्य के प्रमुख दो घटक होते हैं, पहला क्या होता है? उद्देश्य,
दूसरा क्या होता है विधि, दूसरा क्या होता है विधि। तो ये वाक्य के प्रमुख अंग होते हैं। अब और प्रत्येक वाक्य में, प्रत्येक वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया का होना आवश्यक होता है। क्या क्या प्रत्येक वाक्य में इसकी विशेषता होती है कि वाक्य में सरल वाक्य में क्या क्या होता है, वाक्य में होता है कर्ता कर्म क्रिया। कर्ता कर्म और क्रिया तीनों का होना नितांत आवश्यक है। अब बात आती है वाक्य की, वाक्य की परिभाषा तो बता चुके थे। इसी प्रकार से वाक्य में क्या होता है, प्रमुख दो अंग या दो घटक होते हैं, एक उद्देश्य एक विधि। उद्देश्य क्या होता है वाक्य में, उद्देश्य में होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसको क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय क्या होता है, उद्देश्य को ही क्या कहेंगे हम, उद्देश्य को ही हम कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्देश्य को ही हम कर्ता कहते हैं, उद्देश्य को ही हम कर्ता कहते हैं। तो कर्ता में क्या होता है, एक उद्देश्य में कर्ता का विस्तार भी होता है, उद्देश्य में कर्ता का विस्तार भी होता है। अब कैसे होता है, इसमें जस्ट एग्जाम्पल देखो, जिस प्रकार से परिश्रमी व्यक्ति, परिश्रमी व्यक्ति ही सफल होता है, परिश्रमी व्यक्ति ही सफल होता है। अब इसमें कर्ता कर्ता का विस्तार क्या है, अब ये तो देखो व्यक्ति जो है ये भी क्या है, कर्ता है, व्यक्ति क्या है कर्ता है, क्या है ये कर्ता है, ये है जो परिश्रमी है जो, ये कर्ता का विस्तार है, किसका कर्ता का विस्तार, ये क्या है इतना इतना हो जाएगा विधेय। तो प्रत्येक वाक्य में एक कर्ता होता है या कर्ता का विस्तार भी होता है। जैसे एग्जाम्पल में परिश्रमी व्यक्ति ही सफल होता है, तो कर्ता का विस्तार, ये परिश्रमी है ये कर्ता है, इधर ये विधेय है और कर्म ही है। तो ठीक इसी प्रकार से एक उद्देश्य के बारे में हो गया, तो इसके बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या कहेंगे, उद्देश्य कहेंगे। अब विधेय में कहाँ, अब वाक्य में विधेय कहाँ होता है, जैसा कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, राधा खाना खाती है, राधा खाना खाती है, तो जो राधा है इतना इसे क्या है, ये तो उद्देश्य है, क्या है उद्देश्य है, सेंटेंस ये बाघ का जो लास्ट का भाग ये क्या है विधि है, इतना क्या है विधि है। तो उद्देश्य या कर्ता एक ही बात होती है, इस प्रकार राधा खाना खाती है ये उद्देश्य है, जो शेष बचा ये क्या है विधि है।
तो वाक्य के प्रमुख दो ये घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक इसी प्रकार से अब रचना के आधार पर वाक्य होते कितने प्रकार के हैं, ये तो वाक्य की बात चल रही थी कि वाक्य की परिभाषा और वाक्य में प्रमुख घटक कितने होते हैं। तो वाक्य में प्रमुख घटक दो होते हैं। परिभाषा क्या होती है कि दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो, क्या निकलता हो, जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के प्रमुख दो घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो करता है, और विधेय कर जिस उद्देश्य, इसके बाद में बात आती है रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। कितने के रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, इसके बाद में दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, तीसरा होता है मिश्रित वाक्य। तो आज आपने वाक्य की परिभाषा, वाक्य के घटक और वाक्य रचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। ये जो सरल वाक्य है इसमें क्या होता है, एक कर्ता का होना अनिवार्य है, इसमें एग्जाम्पल लेते हैं जैसे मोहन गाना गाता है। मोहन क्या है, ये कर्ता है, ये क्या है, क्रिया है, इसको क्या कहेंगे, उद्देश्य है, इतना क्या हो गया, विधेय। विधेय इसके बाद में कल आपका इसके आगे का बताएंगे, जैसे कि ये सरल वाक्य है, इसके बाद में कल फिर संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, फिर इसके बाद में संज्ञा वाक्य, बहुत सारे वाक्य होते हैं, बड़ा टॉपिक विस्तार रहता है। आज इतना ही पढ़ाएंगे, इसके बाद में कल आपको बताएंगे कि संयुक्त वाक्य क्या होता है, मिश्रित वाक्य क्या होता है, और सरल वाक्य के बारे में भी अच्छे तरीके से कल डिफाइन करेंगे।